अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हूर फातिमा और आप देख रहे हैं मुमताज न्यूज। शामिल करते हैं आज की अहम खबर। सेक्रेटरी औकाफ का काबिल तहसीन इकराम की औकाफ जनाब मुहतरम जावेद अख्तर महमूद साहब के सरकारी ड्राइवर औकाफ हाजी खालिद साहब की रिटायरमेंट का दिन था। सुबह सवेरे हसब मऊल हाजी खालिद ड्राइवर अपने साहब सेक्रेटरी साहब को लेने उनके घर गए। सेक्रेटरी साहब को इलम था कि आज हमारे ड्राइवर का रिटायरमेंट का दिन है। सेक्रेटरी ने हाजी खालिद को गाड़ी ड्राइव करने की बजाय सेक्रेटरी ने गाड़ी का पिछला गेट खोला और ड्राइवर हाजी खालिद को पिछली सीट पर बैठने का कहा। हाजी खालिद ने कहा कि सर मैं ड्राइवर हूँ, ये कैसे हो सकता है? सेक्रेटरी ने कहा कि आज मैं आपका ड्राइवर हूँ। सेक्रेटरी ने खुद गाड़ी ड्राइव की और अपने ऑफिस में जब दाखिल हुए तो स्टाफ हैरान हो गया। सेक्रेटरी साहब गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, शायद हाजी खालिद ड्यूटी पर नहीं गया। लेकिन हैरानगी और बढ़ गई जब ड्राइवर हाजी खालिद पिछला गेट खोलकर गाड़ी से निकल रहा है। ये मंजर हाजी खालिद की जिंदगी में कभी ना भूलने वाला होगा। कितना खुश हुआ होगा। ये सेक्रेटरी साहब का बड़ा पद है जिसने एक मुलाजिम को उसकी रिटायरमेंट पर इतना प्रोटोकॉल दिया। दीगर अफसरान को भी सेक्रेटरी साहब के इस इकराम पर अमल करना चाहिए। रिपोर्ट मोहम्मद सभी मुमताज़।